here. What the fuck, what is this? I'm taking what you have all this rubbish from here. Let's go! Hello guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो या और एक और है हमारे भाई साहब ये हेलो। तो आज हम चलेंगे कॉलेज, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस कॉलेज जाने की तैयारी कुछ महीनों बाद। तो फिर से अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अभिषेक एंड वाचिंग योर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का। लेट्स गो। लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने ऐसे टॉपिक वगैरह पे ब्लॉग लेना छोड़ दिया है कि रैंडम कैमरा उठाना, बस बता से सोना है, उठना है और कैमरा उठाना स्टार्ट कर देना है, जो भी कवर होगा हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे हम। और आज का भी जो आपका प्लान है हम लोग का कॉलेज जाने का, जो कि पता भी नहीं है कि कॉलेज में अलाउड करेंगे जाना या नहीं, लेकिन करते हैं क्योंकि एक हमारा फ्रेंड उसके एडमिशन के लिए जाना है। थक गया तो फटाफट रेडी हो जाते हैं, चेंज करते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। हाय ब्रो, किससे मिलने जाना है आकाश? किससे? कौन है वो? कौन है वो? किसके लिए इतनी तैयारियां? देखो देखो वो आ गए सब एकदम, मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आकाश भैया की शादी। आकाश किससे? आखिर कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम्हारी शादी होगी? है मिलवाऊंगा बाद में। ठीक है आंटी जी, अगर इसकी मम्मी अगर देख रही है ब्लॉग तो देख लीजिए, इस लड़के को बिगाड़ चुका है। संस्कारी बालक। कितने दिनों के बाद ऐसे बैंगलोर की सड़कों पे क्या करते हुए? ब्लॉगिंग करते हुए। हमारा कॉलेज एक्चुअली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं। बाकी अपन बहुत अमीर, गाड़ी वाड़ी सब पार्क करके आए। ये देखिए चमकती हुई जूते में पूरी कीचड़ी कीचड़। आकाश थोड़ा कीचड़ बीच में भाई इसमें कूदो बस। अरे जा जा बेवफा जा, क्या आदमी है रे ये, तो क्यों है इसको रिमांड, इसलिए है तू 150 रुपया देगा। जूता पॉलिश का तेरे को 150 रुपया देगा, लेगा 150 रुपया देगा। जोश में हम लोग जा तो रहे हैं, जिसका कोई पता नहीं है कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है, और एकदम मस्त वाइट जूता पहन के। अब इसके अंदर व्लॉग नहीं बनेगा, नहीं तो ले लेंगे मेरी सब। ये फटाफट काम कर लेते, उसके बाद कंटिन्यू। वैसे मेरे को ना एक दो दिन से पता नहीं मजा आ रहा है सिनेमैटिक शॉट्स लेने में। तुम जब तक एडमिशन को प्रोसेस करते तब तक आप दो चार सिनेमैटिक शॉट देख लो। देखो देखो आ गया। यू आर एंटरिंग अ क्लीन एंड ग्रीन कैंपस, प्लीज मेंटेन इट। कॉलेज का छोटा सा टूर, ये वाला जो है ये हमारा मेन एंट्रेंस है कॉलेज का, और यहाँ पे एडमिशन ब्लॉक, और यहाँ पे एक बिल्डिंग, और आगे देख। और यहाँ से हम एंटर करते हैं, आगे में हो गया हमारा प्लेग्राउंड, इधर में पार्किंग एरिया, यहाँ पे बाईसाइकिल पार्किंग एरिया, और इधर हमारा ब्लॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग को परमिशन नहीं मिला क्योंकि अलाउड नहीं है अभी। ये एक ब्लॉक है, इसके बाद एक और है, एक और ये पार्क ऐसे हो गया, और ये कॉलेज के बसेज हो गए, और यहाँ पे हमें हमारा पोपट हो गया, हमें अलाउड नहीं किया जा रहा अंदर जाने के लिए। लेकिन हम लोग कैंपस के अंदर आ गए, लेकिन कैंपस के अंदर आ गए बहुत बड़ी चीज़ है, फिर भी हम लोग साथ में इसीलिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो कर देते साले। मेरे वजह से तुम लोग को परमिशन मिला ना, तो तुम लोग को घंटा नहीं मिलता। हमारी वजह से मंगलसूत्र लटकाते हो ना, उसकी वजह से। ये हमारा कॉलेज का एक मंगलसूत्र है, आईडी कार्ड जिसको बोलते हैं, इससे अपना फोटो इधर है। एग्जिट तो अभी हम जा रहे हैं कुरियर करने, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। हमें बोला गया था बस कॉलेज जाना, नींद से बहुत मुश्किल से उठाया गया था। अरे साले
मेरी BMW भी घर पे छूट गया, हमें उठाया जाता है। अरे देखो पीछे ही छोड़ झंडू को। ओ iPhone 12 ओ माय गॉड, बड़े लोग का बात ही अलग है, जाने दो। गाड़ी ले जाओ यार। ना गाड़ी है ये नहीं है यार, नहीं है सॉरी है मेरे पास है बहुत। अबे भूल जाते यार, एक BMW एक मर्सिडीज है एक Lamborghini, अभी सर्विसिंग के लिए गई है। बाकी हम लोग ऐसे यूजली पैदल नहीं चलते हैं, बस आज चल रहे हैं, ऐसा मत समझना हम पैदल चलने वाले हैं। और हमारा ड्राइवर यहाँ है। ओ ड्राइवर साहब थोड़ा जल्दी चलिएगा। हेलवे आकाश कसमा ये सब यही कह कह के 2 किलोमीटर पैदल चलवा चुका है। खरीद के लाए थे हम लोग। गाइस से हाय टू माय व्लॉग। ज्यादा है कुछ मेन पॉइंट क्या था, 2 किलोमीटर चला दिया खाली बोल के कि यहीं पे यहीं पे, पता नहीं चला कहाँ पे। अरे सच्ची अब यहीं पे, बस यहीं पे, यहीं पे का हौसला। ठीक है एक दो आगे देखो ये सब मिल के बीप 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 ना ना बोलते बोलते अब आए यहाँ पे है। यहाँ पे कहाँ पे है, यहीं वाला है ना। हाँ यहीं वाला, रास्ता ढूंढना पड़ेगा कहाँ से जाएंगे। जिंदा रहोगे तो दुर्घटना से देर बनी, बहुत बढ़िया, और सबसे जल्दी इसी को रहता है। इस वाले सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का मजा ही कुछ और है। भाई साहब ड्यूटी डीसी वाली दीदी इतनी अच्छी पूछो मत। ये दोनों चेयर मिला इनको भाई साहब को, हमको लोग साले मेरे को छोड़ के अंदर जाके बैठ गए शांति से। दो ही चेयर थी दोनों पे, ये कब दोनों कब्जा कर दिए। बेचारी दीदी बोली प्लीज आओ बैठो ना, इतनी इज्जत भाई, इतनी इज्जत जिंदगी में पहली बार मिली है, खुशी। चेयर देख क्या बैठिए ना, हम क्या बैठना ही पड़ेगा भाई, इतना इज्जत मिला। इज्जत सबको नसीब नहीं होता, अपनी बात ही अलग है। सब कुछ कराने के बाद घर पे आ गए और मास्क पहने पहने पूरा स्वेटिंग हो गया मुँह में, लड़के का भी काम हो गया है। क्या नाम है तेरे दोस्त का? बालकृष्ण जी का भी कुरियर हो गया, 3-4 दिन में आपको घर पे मिल जाएगा। और नहीं ट्रैक कर ले नहीं नहीं ये पर्सनली भेज दिया जाएगा उन्हें। तो बाकी अभी यहाँ पे आ गए और खाना वाना खाएंगे और बाकी का कार्यक्रम आगे जो होगा बताया जाएगा। पहले खाना खा लेते हैं, सुबह से आ गए इसी भूखे पड़े साला, मेरे को भूखे रखा इन लोग। चलो खाना आते हैं, लाओ भी खाना। टुकड़ों में पेट भर गया, मैं जबरदस्ती खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो आकाश? खाना वेस्ट करता है। हाँ जाने दो, रोशन भैया से बोलते हैं रुक। रोशन भैया के क्या लगते हैं? सो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे। नहीं क्या बोलती है। So that's it for today. मिलते हैं आपको तब तक के लिए, टाटा बाय बाय, सी यू सून। इतना ही था आज के लिए और एक ब्लॉग इसके बाद जस्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वे डिस्टर्ब काहे कर रहे हो? सॉरी ब्रो। हाँ तो बस। भाई स्टूडेंट लाइफ इतना भी इजी नहीं होता है जितना दिखता है, बहुत स्ट्रगल है क्या अवनीश? यस ब्रो। बॉडी देख के साले कोई कह नहीं सकता, उठा लिया लेकिन उठा लिया है फाइनली।